कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वसंख्या का a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित सवाल। क्या पढ़ेंगे? a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित सवाल। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए। ठीक, पिछली क्लास में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं ना। चलिए देखिए, ये दिया फार्मूला आपका है, हमसे पूछा जाए x माइनस टू का होल स्क्वायर। इसको सर्वसंख्या की मदद से हल करना है, तो आप इसको जानेंगे क्या है a लिखा। a क्या है? b। फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर, मतलब a की जगह क्या है? yes। हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है? दो। तो b का स्क्वायर माइनस टू, a का मान यक्ष और b का मान टू। चलिए यक्ष का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर ना, दो का स्क्वायर दो दूना चार होगा। दो का गुणा दो में करेंगे, दो दूना चार, साथ में क्या है? यस, ये हमारा हो गया आंसर ना। देखिए पहला हो गया, दूसरा देखिए, जैसे दे दिया गया आपको टू एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, क्या लिखा है? ए। ए क्या है? बी ना। सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है? टू एक्स बी स्क्वायर, बी की जगह फोर माइनस टू ए, ए का मान टू एक्स, बी बी का मान फोर, एक्स का टू का स्क्वायर कितना होगा? दो दूना चार, और एक्स की पावर कितना? दो ना, चार चौ सोलह, चार का स्क्वायर क्या होगा? सोलह होगा ना, और दो दूना चार चौ सोलह, और साथ में क्या है? हो गया ठीक, लग जाएगा। जैसे दे दिया गया है अट्ठानवे का स्क्वायर, ठीक, इसको किसकी मदद से हल करना है आपको? सर्वसमिका से। किसकी मदद से हल करना है? तो देखिए हम कैसे हल करेंगे सर्वसमिका, सर्वसमिका से हल करेंगे किस फार्मूले से? a माइनस बी के होल स्क्वायर से। ध्यान दीजिए अट्ठानवे है ना, अगर हम सौ में माइनस टू कर देंगे तो सौ माइनस टू कितना होगा? होगा ना, पूरे का क्या होल स्क्वायर ना। अब ये a हो गया, ये क्या हो गया? फार्मूला क्या होता है? a की घाते दो प्लस b की घाते होता है माइनस दो a, a का मान सौ, b का मान दो, यही तो सौ का स्क्वायर करेंगे, सौ का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? दस हजार, क्या होगा? यही तो होगा, और दो का स्क्वायर करेंगे दो दूना चार, दो का गुणा सौ में करेंगे दो सौ, दो सौ का गुणा दो में करेंगे चार सौ, हो गया ना। ध्यान दीजिए इसको जोड़िए कितना हो गए, दस हजार चार ना, और माइनस कितना? चार सौ, यानी दस हजार चार में कितना घटाएंगे? चार सौ घटाएंगे। ध्यान दीजिए ये चार जीरो, जीरो में चार नहीं जाएगा, बगल से एक उधार लिए कितना हो गया? दस, दस में से चार गया कितना आ गया? सॉरी कितना है? चार उतार लिए, जीरो उतार लेना, बगल से एक उधार लिए दस हजार चार आए। अच्छा दस, सॉरी दस हजार चार था ना, कितना घटाएंगे? चार जीरो दस में से चार घटाएं कितना आएगा? छह, यहाँ क्या बचा? कितना आ गया है? छियानवे में जीरो चार, यानी नौ हजार छह सौ, समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या a प्लस बी का होल क्यूब। क्या पढ़ेंगे? a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है फार्मूला? a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए बी, ब्रैकेट के अंदर क्या? a प्लस बी।
ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है, क्या होता है, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में a प्लस। चलिए हम सवाल लगाते हैं, जैसे हम दिया गया है x प्लस थ्री का होल क्यूब, ध्यान दीजिए a लिखा है क्या है b, फार्मूला क्या होता है a का क्यूब, a की जगह क्या है x, x का क्यूब, तो b का क्यूब, b की जगह कितना है 3 का क्यूब ना, प्लस 3 a का मान x और b का मान 3 और ब्रैकेट के अंदर क्या x प्लस 3, x का क्यूब करेंगे क्या होगा x क्यूब और 3 का क्यूब करेंगे क्या होगा 27 होगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 कितना 7 में क्या है yes. ब्रैकेट के अंदर क्या x प्लस 3, अब x क्यूब प्लस 27, 9 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर ना, फिर 9x का गुणा किस में करेंगे 3 में 9 3 27, 7 में क्या है yes. ये हमारा हो गया आंसर, समझ में आया जी।